हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा कंसल आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वो वास्तु से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है हमारी, साउथ वेस्ट के बाद जस्ट हमारी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन आती है। अगर आपको सेविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपने फंड्स को सेव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका बच्चा जो है उसका पढ़ाई में वो मेहनत तो करता है लेकिन उसके बावजूद भी उसको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, हमारी जो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है वो हमारी सेविंग्स से रिलेटेड है, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड है। एंड एट द सेम टाइम अगर उस जोन में हमारी किचन जाती है या टॉयलेट जाता है या कोई भी ऐसी एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी होती है, तो इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी सेविंग्स पे पड़ता है कि हम बिज़नेस में अर्न तो पैसा कर रहे होंगे बट उससे सेविंग्स नहीं कर पा रहे होंगे। एट द सेम टाइम आपका बच्चा मेहनत तो कर रहा होगा बट उसको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप अपने घर की वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ज़रूर चेक करिए और चेक करिए कि वहाँ टॉयलेट या किचन या फिर कोई ऐसी एंटी कलर तो वहाँ पर नहीं है जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे जो आप एंटी कलर देखेंगे, अगर वहाँ पे रेड कलर आ जाता है तो वो वहाँ के लिए एंटी कलर है। रेड कलर, पिंक कलर, और आप इसमें पीच कलर भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो उस कलर को आपको हटाना होगा। बाकी आपको अगर टॉयलेट ब्लॉक करवाना है, सर्जरी करानी है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन घर बैठे हुए वास्तु का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपने खुद की प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद से निकाल सकते हैं। जो मैं नंबर यहाँ पे दे रही हूँ, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू नो अबाउट मोर डिटेल्स। थैंक यू फ्रेंड्स।